आईपीएल शुरू होने में अब 10 दिन से भी कम का वक्त बाकी रह गया है और आईपीएल खत्म होते ही लगभग 10 दिन के अंदर ही यूएसए और वेस्टइंडीज में टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा और इसलिए वर्ल्ड कप के नजरिए से भारतीय खिलाड़ियों के लिए इस साल का आईपीएल बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस साल जिन खिलाड़ियों के नाम टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए कंटेंशन में हैं उनके ऊपर बीसीसीआई की निगाह होने वाली है और स्क्वाड के सिलेक्शन का आधार इस बार का आईपीएल ही होने वाला है। लेकिन इसी बीच कुछ महीनों पहले खबर आई कि हो सकता है विराट कोहली और रोहित शर्मा को टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह ना मिले, क्योंकि उनकी जगह युवाओं को चुनना बीसीसीआई की पहली प्राथमिकता है और कप्तानी की जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या को सौंप दी जाए। लेकिन फिर इस खबर के बाद अफगानिस्तान के साथ भारत की टी20 श्रृंखला होती है और इसमें रोहित और विराट दोनों की टीम में लगभग साल भर बाद वापसी होती है और फिर यहां से बात लगभग बंद हो जाती है। लेकिन उसके थोड़े ही दिन बाद एक और खबर आती है कि रोहित ही भारतीय टीम की वर्ल्ड कप में कप्तानी करेंगे और हार्दिक पांड्या नहीं करेंगे, और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि बीसीसीआई सचिव ने बोली कि हम चाहते हैं कि टी20 वर्ल्ड कप का खिताब रोहित की कप्तानी में जीते। और खबरें ये भी थी कि रोहित को उनकी ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करने के लिए टीम का हिस्सा बनाया जाएगा और कप्तानी भी रोहित ही करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप 2023 के बाद रोहित ने बीसीसीआई के साथ रिव्यू मीटिंग में सीधे ये सवाल पूछ लिया था कि क्या मैं टीम की कप्तानी टी20 वर्ल्ड कप में करूंगा या नहीं, जिस पर उन्हें ये एश्योरेंस दिया गया था कि टीम की कप्तानी वही करेंगे। ये तो थी पूरी बैक स्टोरी। लेकिन अब एक और खबर निकल कर आ रही है जिसमें बताया गया कि जून में खेले जाने वाले टी20 वर्ल्ड कप से विराट का पत्ता कट सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मानना है कि वेस्टइंडीज की स्लो पिच विराट कोहली को सूट नहीं करेगी। इसके अलावा रिपोर्ट्स में इस बात का भी खुलासा हुआ कि भारतीय क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर को इस बात की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह विराट कोहली को यह समझाने की कोशिश करे कि वह अब युवाओं के लिए टीम में रास्ता बनाए। इसके अलावा यह भी बताया गया कि चीफ सेलेक्टर ने कोहली से टी20 की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपना रवैया बदलने को लेकर बात की थी, जिसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में उन्होंने अग्रेसिव क्रिकेट खेलना चाहा, लेकिन वह फेल हो रहे थे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में विराट कोहली इस साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं होंगे, और अगर नहीं होंगे तो बीसीसीआई के पास इस चीज का क्या जवाब होगा कि आपका सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, जिसने आपके लिए न जाने कितने मैचेस जीते हैं, जिसे दुनिया का सबसे बेहतरीन चेजर माना जाता है और पिछले टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में जब आपका टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो गया था तो इस खिलाड़ी ने अकेले के दम पर वो मैच पाकिस्तान के मुंह से छीन कर आपको जिताया था। साल 2016 एक और साल जब इस खिलाड़ी ने अपने दमदार प्रदर्शन के बदौलत टीम को नॉकआउट स्टेज तक पहुंचाया, और अगर हालिया वक्त की भी बात करें तो इस खिलाड़ी ने 2023 वर्ल्ड कप में भी जानदार प्रदर्शन किया। लेकिन अब आप इस खिलाड़ी को ये बोलकर बाहर कर रहे हैं कि आपकी स्ट्राइक रेट अच्छी नहीं है, आप ताबड़तोड़ बल्लेबाजी नहीं कर पाते हैं, विकेट स्लो है जो आपको सूट नहीं करेगी, क्या ये कारण विराट कोहली जैसे महान बल्लेबाज को बाहर बैठाने के लिए सही है? क्या सच में टीम इंडिया को आईसीसी टूर्नामेंट में इन फॉर्म और दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज की टीम में जरूरत नहीं है? क्या आप विराट कोहली जैसे बल्लेबाज को ये समझाने में लगे हैं कि आपको अब युवाओं के लिए टीम में जगह बनानी है, यानी इसका साफ साफ मतलब है कि आपको विराट कोहली का अनुभव टीम में नहीं चाहिए। युवाओं का टीम में आना, उनको मौका मिलना बेहद जरूरी है, इस बात में कोई संदेह नहीं, लेकिन क्या आप 6 महीने के टाइम पीरियड में ही इसका निर्धारण कर लेंगे? और अगर विराट कोहली टीम का हिस्सा नहीं है तो उनकी जगह टी20 में नंबर 3 पर बल्लेबाजी कौन करेगा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा या ईशान किशन? क्योंकि ओपनिंग स्लॉट तो यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा का सीमेंटेड है, और अगर नंबर 3 पर ये बल्लेबाज बल्लेबाजी करेंगे बस इसलिए क्योंकि वो शुरू से ही तेज तरार बल्लेबाजी करते हैं, तो क्या ये टीम की वर्ल्ड कप के लिए सफल रणनीति होगी? क्या अब इतने सारे सवालों का जवाब बीसीसीआई के पास है कि क्या विराट कोहली की टी20 वर्ल्ड कप से बाहर रखना चाहिए? और अब इस पर आप सभी का क्या मानना है और आपके क्या सवाल हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और स्पोर्ट्स जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव को।